जापान के शोजी मोरिमोटू दिन के हजारों कमाते हैं और करते क्या हैं? कुछ नहीं, वो ऐसा काम करते हैं जो आपका ड्रीम जॉब हो सकता है। आपसे सोचने को कहा जाए कुछ ना करने के हजारों मिलेंगे, आप सरकास्टिक होते हुए कहेंगे मेरे ऑफिस में कई लोग ऐसे हैं जो सेम ऐसी सैलरी उठाते हैं कुछ ना करके। लेकिन शोजी का मामला अलग है। शोजी का मोडस ऑपरेंडी समझिए, बेसिकली वो तुम बिन के शेखर मल्होत्रा हैं। जानता हूँ आपके सारे की जरूरत नहीं है, मैं तो बस साथ देने आया हूँ, उनका ध्येय वाक्य है। शोजी जापान के टोक्यो में रहते हैं, 38 साल के हैं, वो खुद को किराए पर चढ़ाकर पैसे कमाते हैं। वो लोगों के साथ एक साथी के तौर पर जाते हैं और इस दौरान वो कुछ नहीं करते, इसके बदले उन्हें 10,000 यानी अर्थात $71 और लगभग 5,500 रुपये मिलते हैं। इस पूरे व्यापार व्यवहार में उनका काम सिर्फ किराए पर उठाने वाले के साथ जहां भी वो ले जाए वहां पर मौजूद रहना होता है। आपके कर्मठ कर्मचारी मन में सवाल का बुलबुला उठा होगा कि ऐसे कुछ ना करने के पैसे कौन ही देता होगा। जवाब आपको चौंकाएगा, क्योंकि वो बीते 4 सालों में ऐसे 4,000 सेशन कर चुके हैं। एक क्लाइंट ने तो 270 बार उनकी सेवाएं ली। ये सारी बातें रॉयटर्स को शोजी ने एक बातचीत में बताई। सेवाओं के तौर पर वो ऐसे काम करते हैं जिसमें उनका होना बस पर्याप्त हो। जैसे किसी टीम में एक आदमी कम पड़ जाए तो शोजी को ले जाएं, तलाक के लिए कागज लगाने हैं शोजी को ले जाएं, पार्क में तितली पकड़नी है अकेले हैं पार्क में झूले या सीसॉ पर समय बिताना है शोजी काम आएंगे, किसी रेस्टोरेंट में अकेले खाना नहीं खाना चाहते तो वो साथ दे देंगे, शहर छोड़कर जा रहे हैं चाहते कोई ट्रेन के बाहर तक आपको छोड़ने आ जाए शोजी आ जाएंगे। पर ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी कर लेंगे। इस मामले में वो बैंड बाजा बारात की श्रुति के जिसके साथ व्यापार करो उससे कभी प्यार ना करो वाली बात को ध्येय वाक्य मानते हैं। क्लाइंट से दोस्ती नहीं करते। घर का भारी सामान उठवाना है, शोजी को मत बुलाइए। एक बंदे को फ्रिज खिसकवाना था, शोजी ने मना कर दिया। शोजी फिजिकली उपलब्ध होते लेकिन फिजिकल रिलेशनशिप के लिए नहीं, किसी भी सेक्सुअल नेचर के काम के लिए वो मना कर देते हैं। यहाँ तक कि आप चाहें कि रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए शोजी से लंबी दरबार लगाएं, गपशप करें, वो बातों से आपको एंटरटेन करें तो शोजी उसके लिए भी उपलब्ध नहीं है। ये सब काम शोजी ने अपने पिछले कामों के अनुभवों के चलते शुरू किए। पहले वो एक पब्लिशर के यहाँ काम करते थे, काम की जगह पर उन्हें कुछ ना करने वाला कहा जाता था। बॉस कहते थे तुम्हारे रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने वो काम छोड़ा और कुछ ना करने को ही अपना काम बना लिया। ऐसा भी नहीं कि शोजी दुखियारे अकेले हैं। ओसाका यूनिवर्सिटी से फिजिक्स की पढ़ाई की है उन्होंने, पीजी की डिग्री है उनके पास, उनका भी घर परिवार बीवी बच्चा है, इसी काम से वो अपना घर चला रहे हैं। पैसा कितना कमाते ये नहीं बताते लेकिन दिन के 2 सेशन उठा लेते हैं। कोविड के पहले वो इसके 2 गुने क्लाइंट्स को सेवाएं देते थे। पहले काम मुफ्त में करते थे, फिर लोग समय बर्बाद करने लगे और क्वालिटी कंट्रोल के लिहाज से शोजी बाद में इसके पैसे लेने लगे। और ये सब शुरू हुआ था एक ट्वीट से। इस ट्वीट को उन्होंने अपनी बेरोजगारी के दिनों में किया था और लोगों को डू नथिंग रेंट अ मैन का आइडिया दिया था, माने कुछ ना करने के लिए एक बंदे को हायर करने की सेवाएं देने की घोषणा की थी। अब हाल ये है कि हजारों क्लाइंट्स के अलावा उनके पास एक वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है जिस पर 2.5 लाख के लगभग फॉलोअर्स हैं। इंस्टा पर भी उनके 5,91,000 फॉलोअर्स हैं। अंत में काम की बात, ये सब शोजी जापान में इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ काम की अधिकता, अकेलेपन के शिकार बहुत से लोग हैं, सुसाइड के मामले भी लगातार सामने आते हैं। लोगों को ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत लगती है जो उनकी बात सुन सके, उनके साथ बिना उसे जज करे रह सके, उन्हें अकेलापन महसूस ना हो। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लोगों से घुलने मिलने या बाहर निकलने में हिचक होती है, ऐसे लोगों के लिए शोजी कुछ ना करके भी बहुत कुछ कर देते हैं। आपके लिए इसे लिखा है हमारे साथी आशीष ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।